हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद रेनू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एगलेस ब्रिटानिया केक की रेसिपी, यानी कस्टर्ड केक की रेसिपी। तो चलिए देर ना करते हुए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक भगोना, इसके ऊपर मैं रखूँगी छन्नी। छानना ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर 1/4 कप। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, या आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में इजीली मिल जाएगा। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है। हम इसे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मिक्स हो चुके हैं, इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। आप यहाँ पे पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हैं 1/2 कप, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। कंडेंस्ड मिल्क से इसका टेस्ट और ज़्यादा रिच हो जाएगा। अगर ना हो तो शुगर से भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट हमारा ब्रिटानिया केक बनके रेडी होगा। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप गुनगुना दूध। यहाँ पे मैंने एक और बाउल ले लिया है, तो ध्यान रखिए कि दूध आपका गुनगुना गर्म हो। इसमें जाएगी मलाई, ये घर की फ्रेश मलाई है, तो 2 बड़े चम्मच हम इसमें मलाई डालेंगे। इसकी हेल्प से ही हमारा केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि हम इसमें कर्ड भी ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क को भी स्किप कर सकते हैं, आप वहाँ पे शुगर यानी पाउडर्ड शुगर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कंडेंस मिल्क डालना, क्योंकि मलाई से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार हो ही जाएगा। तो इन दोनों मिक्सचर को हम साथ में ऐड कर देंगे। जो कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर था और जो मिल्क और मलाई का मिक्सचर था, वो हम साथ में ऐड करके इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से करिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास ब्रेड टिन है, इसमें मैंने पैरामेलाइज्ड पेपर लगा के रखा है। और ये हमारे पास कलरफुल टूटी फ्रूटी है, तो थोड़ी सी मैं टूटी फ्रूटीज ले लूँगी। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें 1 टीस्पून हम मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने से क्या होगा, हमारा ब्रिटानिया टूटी फ्रूटी केक में जो टूटी फ्रूटी है वो सब जगह इवनली फैलेगी। तो आपने देखा है ना, मार्केट के केक्स में टूटी फ्रूटीज होती है। आज बिल्कुल हम मार्केट स्टाइल बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी की जगह ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे ड्राई इंग्रीडियंट्स में हम हमारा वेट मिक्सचर जो था उसको हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के, और हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इतना जो हमने मिक्सचर बनाया था दूध और मलाई का, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा बैटर को बनाने के लिए, क्योंकि हमने मात्रा बिल्कुल बराबर ली थी। देखिए, बिल्कुल लंप फ्री बैटर हमें बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप डालिएगा, एक साथ सारा मत डालिएगा। और ये देखिए, हमारा बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने पूरा वेट मिक्सचर इसमें मिक्स कर लिया है। और अब जो हमने टूटी फ्रूटी मैदे के मिक्सचर में कोट करके रखी थी, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैदा डालने से हमारा बेनिफिट है कि हमारी टूटी फ्रूटी सब जगह इवनली फैलेगी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपने हिसाब से टूटी फ्रूटी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको ज़्यादा मिक्स बिल्कुल ना करें। ओवर मिक्स करने से आपका केक अच्छे से राइज नहीं होगा। बिल्कुल जितना हमारा लंप फ्री बैटर बन के तैयार हो जाए, उतना ही आप मिक्स करिएगा। तो ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे तैयार किए हुए ब्रेड टिन में डाल देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा फ्लोइंग हमारा बैटर है। इसका ब्रिटानिया केक का बैटर की कंसिस्टेंसी इसी प्रकार रहती है। थोड़ा सा हम इसे ऊपर से इवन कर देंगे,
और थोड़ा सा इसे टैप कर दीजिए ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। और ये मैं इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे बोथ रॉड्स ऑन 40 to 45 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। और ये देखिए 40 से 45 हम इसे बेक होने देंगे। और ये देखिए बीच में आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से हमारा केक राइज हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा केक बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे टूथपिक डाल के चेक कर लिया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। हम इसे डीमोल्ड कर देते हैं। देखिए वाओ कितने अच्छे से इवनली हमारे केक की सिकाई हुई है, बहुत ही अच्छे से अच्छा ब्राउन कलर आया है हमारी केक में। और ये देखिए पैरिश्मेंट पेपर हम इसे हटा देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा केक। तो जब हम ब्रिटानिया का केक मिलता है मार्केट में वो नॉन वेज मिलता है, तो हमने इसे वेज बनाया है और मार्केट के केक से भी अच्छा बनाया है हमारा केक। और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, वाह ऊपर देखिए कितने अच्छे से क्रैक हुआ है हमारा केक, बहुत ही अच्छा राइज हुआ है। इसे हम कट कर लेते हैं तो साइड के पार्ट्स में हटा दूंगी। देखिए बहुत ही ध्यान से आप एक शार्प नाइफ से इसे कट करिएगा, बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बन के रेडी हुआ है, बहुत ही मॉइस्ट है हमारा केक। और ये देखिए वाह कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों, ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा केक है। मैं आपको इसके तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने इस पे हाथ लगाया और हमारा केक टूट गया। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पॉन्ज था हमारे केक में। देखिए इसी तरीके से हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। ये देखिए तो इसी तरीके से आप इसे कट करके सर्व करिएगा। यकीन मानिए घर पे बच्चे बड़े सब बहुत खुश हो जाएंगे इस केक को देख के, ये बनता भी इतना डिलीशियस है फ्रेंड्स। ये देखिए इवनली कितने अच्छे से टूटी फ्रूटी पूरे केक में फैली हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ब्रिटानिया टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक